नमस्कार, आपण पाहत आहात कटू सत्य लाईव्ह न्यूज। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब, शेअर, लाईक, कमेंट करून महाराष्ट्रभरातील नवनवीन बातम्यांसाठी बेल आयकन दाबायला विसरू नका। जगात कधी काय होईल याचा नेम नाही, कुठली नाते कधी कुणासाठी जीव देतील आणि वेळ पडलीच तर कुठली नाते कधी कुणासाठी जीव घेतील सांगू शकत नाही। अशाच प्रकारचे प्रकरण एक MBBS असलेल्या डॉक्टर स्नेहल गवळी यांच्यासोबत जे घडले आहे ते ऐकून कुण्याही आई असणाऱ्या स्त्रीला धक्काच बसेन, कारण लेडी डाऊन असलेल्या मनाली गवळी नामक आईचे अर्थात डॉक्टर स्नेहल गवळीच्या जन्मदात्या आईचे प्रताप एवढे भयानक आहेत की सांगणाऱ्याला वेळ पुरणार नाही आणि ऐकणाऱ्याला सुद्धा वेळ पुरणार नाही। डॉक्टर स्नेहल गवळी सांगतात की माझी आई म्हणजे श्रीमती मनाली गवळी, ज्यांनी स्वतःला सामाजिक कार्यकर्ता आणि राजकारणी असल्याचे चित्रित केले आहे। त्या अनेक बेकायदेशीर कामामध्ये गुंतल्या आहेत आणि फसवणूक, खंडणी व तत्सम स्वरूपाच्या इतर गुन्ह्यासाठी तिच्या विरुद्ध असंख्य तक्रारी दाखल आहेत। ती सवयीची गुन्हेगार आहे आणि तिला कायद्याची भीती नाही। ती उपद्रव, फसवणूक आणि अश्लील क्रियाकलापांच्या असंख्य घटनांमध्ये सामील आहे, ज्यामुळे मला केवळ अपमान आणि लाज वाटली नाही तर माझ्या प्रतिष्ठेवर आणि मानसिक स्थितीवर देखील विपरीत परिणाम झाला आहे। तिच्या कृतीमुळे मला गंभीर मानसिक त्रास, भावनिक आघात, व्यावसायिक अडथळे आणि आर्थिक नुकसान झाले आहे। सविस्तर प्रकरण काय आहे ते स्वतः डॉक्टर स्नेहल गवळी यांच्याकडूनच ऐका। कटू सत्य लाइव न्यूज मुंबई। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल गवळी और मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ। और मामला ये है, इशू ये है कि इतने सालों से, तकरीबन 2006-07 से 15-20 ईयर्स से मुझे जो मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट हुआ है, मेरी जो बायोलॉजिकल मदर है मनाली गवळी, इन्होंने जो मेरे ऊपर मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट किया है, फिर इन्होंने जितने भी असामाजिक काम किए हैं, जितने भी क्राइम्स किए हैं मेरे नाम का यूज़ करके, मेरे प्रोफेशन का यूज़ करके, इन सब के अगेंस्ट मैंने आवाज़ उठाया है, कंप्लेंट किया है, लीगल कंप्लेंट फाइल किया है और मुझे बस न्याय चाहिए उसके लिए। अर्जी है, कंप्लेंट लेटर है टू CP मुंबई एंड नवी मुंबई, जिसमें मैंने प्रॉपर सब लिखा है कि बचपन से कैसे मुझे यूज़ किया गया है, गलत कामों के लिए यूज़ किया गया है, क्रिमिनल एक्टिविटी करने में यूज़ किया गया है, मुझे डराया जाता था बचपन से, वो एक मेरे ऊपर दहशत निर्माण की गई थी। उनके जो रिलेशंस है, जो फिलहाल अभी ACP है बेलापुर में, ACP शैलेश पासलवार, इनके साथ 2007 से, तो वो रिलेशन के बलबूते पर उन्होंने जितने भी क्राइम्स किए हैं और जितने भी असामाजिक एक्टिविटीज़ की है, लैंड एनक्रोच किया है, एक्सटॉर्शन किया है, ट्रेसपासिंग की है, तो ये जो करने का जो भी कॉन्फिडेंस उन्हें मिला है ACP शैलेश पासलवार, इनके थ्रू किया है, इन्होंने जो बल दिया है उनके बलबूते के ऊपर ये जो क्राइम किया है। और अभी जैसे मैं बड़ी होती गई हूँ, जैसे मैं, मेरा करियर एस्टेब्लिश हुआ, मैं डॉक्टर बनी हूँ, तो मेरे प्रोफेशन, मेरा नोबल प्रोफेशन है, तो मेरे प्रोफेशन को भी जब यूज़ करने की शुरुआत की ये क्राइम्स करने में, ये असामाजिक एक्टिविटीज़ करने में, तो फिर इसका मैंने ऑब्जेक्शन उठाया है और कंप्लेंट फाइल की है। तो उसके आधार पर एज एन एक्शन टू दोज कंप्लेंट्स, 11th नवंबर को नेरुल पुलिस स्टेशन में एक FIR रजिस्टर हुआ है। FIR नंबर है 0434, जिसमें उन्होंने, मिसेज मनाली गवळी, इन्होंने जो सेमिस्टर 4 और सेमिस्टर 5 के LLB के जो पेपर्स है, यूनिवर्सिटी के पेपर्स, ये किसी और को डमी एग्जामिनी बिठाकर, ऑनलाइन एग्जाम थी 2020 में, कोविड का टाइम चल रहा था, तो वो कोविड के टाइम में इन्होंने किसी को डमी बिठाकर अपनी एग्जाम्स क्लियर करवा के ली है। और ये जो डमी एग्जामिनी था, इनको अपॉइंट किया गया था शैलेश पासलवार इन्होंने, और इन सब की मैं आई विटनेस हूँ और मैं खुद कंप्लेनिंग भी हूँ। अब तक तो कोर्ट में ट्रायल्स, कोर्ट में केस स्टैंड नहीं हुआ है, अरेस्ट, वही आरोपी को 11th नवंबर को केस रजिस्टर हुई है, लेकिन अब तक आरोपी को अरेस्ट इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि आरोपी और सह आरोपी दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है 2007 से, और जैसे ये क्राइम तो किया मिलकर, लेकिन अभी अरेस्ट भी नहीं करवा रहे, क्योंकि वही जो पहचान है, जो हमेशा बोला जाता था मुझे भी और सबको कि मेरे पीछे पुलिस है, मेरे पीछे डिपार्टमेंट है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो वो अभी सच होते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि अभी 11th नवंबर को केस रजिस्टर हुई है लेकिन उसका आरोपी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, और इसके वजह से आरोपी को कॉन्फिडेंस मिला है कि सोशल मीडिया पर जाके आरोपी ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं कि मेरे बेटी ने मेरे ऊपर फेक केस की है, इसके कोई प्रूफ्स नहीं है। तो आरोपी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों मिल रहा है ये बोलने का कि इसके कोई प्रूफ्स नहीं है, क्योंकि
क्योंकि जो ऑफिसर पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं इस केस को, ये अपने सीनियर के अगेंस्ट क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रूफ्स को हैम्पर टैम्पर किया जा सकता है, इसलिए तो आरोपी को कॉन्फिडेंस मिल रहा है ऐसे बोलने का कि प्रूफ्स नहीं है। तो मैंने रिक्वेस्ट भी की है सीपी नवी मुंबई मिलिंद भारंबे सर से कि इस केस को प्लीज़ क्राइम ब्रांच ट्रांसफ़र की जाए, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं वो अपने सीनियर ऑफिसर के अगेंस्ट क्या ही इन्वेस्टिगेट करेंगे और क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएंगे। मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस नवी मुंबई, इनको मैंने रिक्वेस्ट की है और इनको मैंने अर्जी भी डाली है कि इस केस में आप, ये सीरियस ऑफेंस है और इस पर आप ध्यान दीजिए और इस पर कोई एक्शन ली जाए, क्योंकि बचपन से जो अन्याय मैंने सहन किया है, जो मुझे डराया जाता था, मुझे हैरेस किया जाता था, मेंटली टॉर्चर किया जाता था, वो इतने टाइम से मैं चुप थी क्योंकि मैं डिपेंडेंट थी, मैं डरती थी, मैं डिप्रेशन में थी, मैं 6-6 महीने डिप्रेशन में रहती थी, फिर 6 महीने मैं नॉर्मल रहती थी, फिर मेरी मुझे खुद की पढ़ाई थी, मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करनी थी। तो अभी ये सेम चीज़ जो मैंने सहन की है, जो 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 अन्याय मैंने सहन किया है, वो सेम अभी रिपीट हो रहा है। मेरा छोटा भाई है, अडॉप्टेड है 6 साल का, उसके ऊपर। तो मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ मैंने सहन की है वो मेरा भाई सहन करे। इसमें उनकी ऑनलाइन फ्रेंड है जयश्री घुले नाम की, जिन्होंने पूरनपोली एंड जयश्री नाम का वो चैनल चलाते हैं, तो उन्होंने बोला ये कलंकित डॉटर है, ये अपने माँ के ऊपर केस किया है और ऐसी बेटी किसी को नहीं मिले, तो ताकि मेरे ऊपर प्रेशर आए। केस रजिस्टर होने के बाद मेरे ऊपर फैमिलियल प्रेशर भी लाने की कोशिश की गई थी, तो थ्रेट कॉल्स मुझे आ रहे थे, मेरी बदनामी की जा रही थी, मेरे संबंध जुड़े जा रहे थे मेरे फादर के साथ, मेरे स्टेप फादर है, तो उसके रिलेटेड भी सेकंड FIR रजिस्टर हुई थ्रेट कॉल्स की। तो फिर अभी फैमिलियल लेवल पर कुछ हो नहीं पाया क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ्स है, तो अभी सोशल मीडिया पर मेरी बदनामी हो रही है मुझे प्रेशराइज करने के लिए, ताकि ये बदनामी से डर के मैं केस विड्रॉ करूँ। फेक डिग्री की जो केस है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ जो फ्रॉड किया है उसकी जो केस है, मैं वो विड्रॉ करूँ। मैं पिछले 2 साल से मैं आपके डैड के साथ रहती हूँ, तो उन हाँ कब्जा किया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध के नाम पर, उन्होंने कलेक्टर कॉलोनी में कब्जा किया है, सिटी सर्वे नंबर 140/2 है, कलेक्टर कॉलोनी में लैंड है जिसके ऊपर राइट्स, जिसके ऊपर काफ़ी केसेस भी हुए हैं जो कोर्ट में अब चल रहे हैं, कुर्ला कोर्ट में, और वहाँ पर राइट्स के केसेस हुए हैं, एक्सटॉर्शन के भी गुने वहाँ पर दाखिल हुए हैं उनके ऊपर और उनके टीम के ऊपर। और इसके अलावा दहीसर में भी उन्होंने जो गवर्नमेंट कोटा में जो 10% का जो कोटा होता है उसमें फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर 2010 में उन्होंने एक फ्लैट अलॉट करवाया था उनके खुद के लिए, जो बेसिक क्राइटेरिया था फ्लैट अलॉट करवाने का कि तुम्हारा मुंबई में कोई दूसरे जगह पर तुम्हारे नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तो तब उनकी मुंबई में 3 घर थे, फिर भी फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए और फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर गवर्नमेंट का कोटा जो है, जो एक्चुअल जिनको जाना चाहिए तो उनको नहीं जाके इन्होंने फ्रॉड किया है गवर्नमेंट के साथ भी और पास करवा कर लिया है। तो मैंने चेंबूर में एडवोकेट चित्रा मैम है, चित्रा सालुंखे मैम, तो उनसे जाकर मैंने ये जब मैं डिप्रेशन में थी, मुझे घर से बाहर निकाला गया, फिर मैंने उनको जाकर बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, इतने सालों से मैं चुप रही क्योंकि मैं डर रही थी और कहीं ना कहीं अपनी माँ है, जैसे हम समाज में कुछ गलत होता है तो हम ईजिली बोल पाते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाते हैं, लेकिन हमारा खुद का फैमिली और ब्लड रिलेशन में जो आते हैं उनके खिलाफ कैसे बोला जाए, मुझे नहीं समझ आ रहा था तो क्या बोला जाए, इसलिए मैं चुप रहे, इतने सालों से चुप थी, डर के चुप थी, इज्जत की वजह से चुप थी। तो मैंने उनके साथ शेयर किया कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है और मेरे साथ ये मुझे ऐसे ऐसे हरेस किया गया है मेंटली और फिजिकली, और मेरा ऐसे यूज़ किया जा रहा है पैसे कमाने में, फ्रॉड करने में। नहीं, मैं किसी के दबाव में इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ, मैंने वॉलंटरीली मुंबई पत्रकार संघ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करके, जैसे आप सब यहाँ पर आए हो, काफ़ी रिपोर्टर्स आए हैं, उन्होंने मेरी लाइव स्टेटमेंट कवर की है, तो मैं किसी भी कोई भी दबाव में ये इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ।
बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरी यही डिमांड है कि मुझे न्याय मिले और जो भी फेक डिग्री का केस जो रजिस्टर हुआ है वो उसके ऊपर सीरियस एक्शन ली जाए, जो अक्यूज्ड है क्रिमिनल है उनको अरेस्ट किया जाए और ये केस क्राइम ब्रांच को प्लीज़ ट्रांसफ़र की जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होगा, टैम्पर होगा, क्योंकि जिनके अगेंस्ट उनको इन्वेस्टिगेट करना है वो खुद उनके सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। और अगर अगर जिस पहले तो ये डिग्री फेक डिग्री है, डमी बिठाकर फ्रॉड करके ये डिग्री हासिल की है, और ये फेक डिग्री का हासिल करने के बाद इसका यूज़ भी लोगों को डराने में, धमकाने में किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है कि तुम अगर मेरे खिलाफ़ आवाज़ उठाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, क्योंकि मैं अभी लॉयर हूँ, अभी तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। यस, मुझे काफ़ी थ्रेट कॉल्स आए हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, मुझे सोशल मीडिया पर मैसेजेस भी आते हैं, मुझे ऐसे बोला गया है कि मैं ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ, तो ट्रेन से ट्रैवल करती है तू तो तेको पता ही है सारे एक्सीडेंट्स नहीं होते, खुद कुछ ऐसे मर्डर्स भी होते हैं जिसको एक्सीडेंट दिखाया जाता है, तो मेरी माय लाइफ इज़ आल्सो एट थ्रेट, अगर मुझे आगे चलकर कुछ भी मेरी लाइफ को या मेरे करियर को कुछ भी होता है तो उसकी उसके रिस्पॉन्सिबल रहेंगे मिसेज मनाली गवली, ACP शैलेश पासलवार एंड मिसेज जयश्री घुले। हाँ, तो विजय पाटिल नामक एक इंसान है जो नवी मुंबई में रहते हैं, उनसे 12 लाख लिए गए और जब वो 12 लाख अपने वापस मांग रहे थे तो मुझे ऐसे बोला गया कि तुम इनके साथ नाइट आउट पर चली जाओ ताकि वो मुझे पैसे नहीं मांगेंगे, उसके साथ रिलेशंस एस्टेब्लिश करो, तो जिस चीज़ का मैंने मना किया कि ये गलत है, ये नहीं करना है, तो फिर उन्होंने और भी घर पर आकर अपने पैसे मांगे, जैसे पैसे मांगते थे वो कॉल करके पैसे मांगते थे, तो फिर मुझे मेरी मॉम है मनाली गवली, इन्होंने बोला कि तुम नेहरू नगर पुलिस स्टेशन चले जाओ और फेक 354 रजिस्टर करो ताकि वो मुझसे पैसे नहीं मांगेगा। तो फिर मैं बोलती थी कि ये गलत है, मैं क्यों एक तो फेक 354 का मैं फेक गुना क्यों रजिस्टर करूँ किसी के ऊपर, तो उन्होंने फिर मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स को फिर एकत्रित करके ये बेईमान औलाद है ऐसे बोला जाता था, और फिर मुझे बहुत मारा जाता था, मुझे फिजिकली मेंटली हैरेस किया जाता था कि ये अपने माँ का साथ नहीं देती, लेकिन मैं अपने माँ का साथ अच्छे काम में दूँ, मैं अपने माँ का साथ बुरे काम में क्यों दूँ, मुझे नहीं देना। और इन अ वे उन्होंने 12 लाख के लिए मुझे बेचा है विजय पाटिल इनको, फिर उन्होंने डर के फिर उनको भी डराया धमकाया, तो शायद से उन्होंने वो केस विदड्रॉ की है, उन्होंने जो अर्जी डाली थी वो उन्होंने विदड्रॉ की है, उन्होंने एप्लीकेशन विजय पाटिल ये पुलिस स्टेशन में आए थे, उन्होंने मुझे प्रूफ्स भी दिखाए कि उनकी तेरी माँ को मैंने इतने सारे पैसे दिए हैं और तेरी माँ ने मुझे बोला है कि मेरा पूरा हक है तेरी माँ के ऊपर, सॉरी तेरी माँ ने मुझे ऐसे बोला है कि मेरा पूरा हक है तेरे ऊपर, और ये पुलिस स्टेशन में उन्होंने मुझे सामने सामने बोला, मैं बहुत शॉक में चली गई थी कि ऐसे कैसे बोला, और फिर उन्होंने शायद से वो अपनी जो कंप्लेंट लेटर है उन्होंने वो विदड्रॉ कर लिया, उन्होंने उनको भी डराया धमकाया गया कि तुम अगर मेरे ऊपर चीटिंग का केस करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर फेक 354 का केस करूँगी, अगर मैं केस ये विड्रॉ नहीं करूँ तो फिर वो मेरी बदनामी करेगी, ऐसे मुझे थ्रेट्स आते हैं, मुझे बोलती है कि फिर मैं तेरी बदनामी करते हुए ये बोलूँगी वो बोलूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि आपको मेरी जो भी बदनामी है आप करो, लेकिन प्रूफ के साथ करो, ऐसे आप मुझे प्लीज़ डराओ मत, धमकाओ मत, बदनामी के डर से मैं केस विड्रॉ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि हमको पता होता है हमने अपने लाइफ में क्या अच्छा किया है, बुरा किया, क्या सही किया है, क्या गलत किया है। आप सब जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी न्यूज़ प्लीज़ आप पब्लिश करो, क्योंकि मेरे मैटर में नाम आता है पुलिस ऑफिसर्स का, और खुद को जो लॉयर बोलते हैं बट वो फेक लॉयर है, और खुद को सोशल वर्कर बोलते हैं बट वो फेक सोशल वर्कर है, सोशल वर्क के नाम के ऊपर वो क्राइम करते हैं सोशल वर्क के नाम से, तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ दबने मत दो, लोगों तक पहुँचा, ताकि ऐसे टाइप के क्राइम्स अपने सोसाइटी में रिपीट ना हो। पात्रा निर्भीड़ सत्य अर्थात सर्वसामान्यांचे व्यासपीठ आपल्या सर्वांच्या हक्काचे चॅनल कटु सत्य लाइव न्यूज, धन्यवाद।